I told my parents that after engineering I want to go to US to study cinema and all. घर वाले सुन के पागल हो गए जो है. सो फिर थोड़ा रोना धोना, थोड़ा नाटक वाटक किए हुए एंड ऑल दिस थिंग. एंड फाइनली सो दे एग्रीड. ओके सो आई व्हाट आई डिड इज आई रोट माय जीआरई एग्जाम्स एंड टोफल एंड ऑल. एंड आई बैडली वांटेड टू गो टू यूएस टू स्टडी सिनेमा. सो आई अप्लाई टू अ कम्युनिटी कॉलेज कॉल्ड लॉस एंजलिस सिटी कॉलेज. ओके एंड दे हैड अ वेरी गुड सिनेमा डिपार्टमेंट कॉल्ड स्कूल ऑफ सिनेमा टेलीविजन. ओके So I went to US in 2005 to study. Then, but it was like a very short-lived kind of dream. So basically, वहाँ पे जाके मुझे जो है बहुत ज्यादा चीजें वो जैसा सोचा था वैसा नहीं लगा जो है. इट्स लाइक अ 2 year कोर्स बट पीपल टेक लाइक 3, 4, 5 years टू कंप्लीट दैट कोर्स. एंड ऑल्सो लाइक सिनेमा एंड मैनेजमेंट डियर दिस आर टू थिंग जहाँ पे जो है यू नीड टू स्पेंड अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम जो है. तो समहाउ लाइक मैं थोड़ा घबरा गया काइंड ऑफ जो है. एंड आई कॉल्ड अप माई डैड एंड से आई वांट टू कम बैक. एंड ही वाज लाइक भाई इतना तो तूने नाटक करके इतना जो है वो करके गया अभी जो है अभी अभी यू वांट टू कम बैक एंड ऑल. सो उन्होंने बोला कि चलो कम बैक जो है एंड विल फिगर आउट कुछ कर लेंगे देखते हैं. माई फादर वॉज लाइक कि आओ यू कम एंड स्टे जो है घर पे कुछ दिनों के लिए. एंड आई वॉज लाइक आई वॉज वेरी डिप्रेस डिजेक्टेड एंड ऑल. लोग हंसते थे वो देखो हॉलीवुड गया था डायरेक्टर बनने 2 दिन में लौट के आ गया एंड ऑल दिस थिंग. सो आई वॉज काइंड ऑफ लाफिंग स्टॉक ऑफ द जो भी मुझे ऐसा लगता था मतलब पता नहीं जो है. प्रैक्टिकली आई हैव नथिंग एल्स टू डू. जब तुम्हारे पास करने को व्हेन यू हैव नथिंग एल्स टू डू इन लाइफ यू डू एन एमबीए. ठीक है. सो व्हाट आई डिड इज आई जॉइंड अ टेस्ट सीरीज. करियर लॉन्चर करके एक कोचिंग इंस्टीट्यूट होता था. तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया. तो उनके फर्स्ट टेस्ट सीरीज में मेरा सम आई गॉट सम 9 परसेंटाइल और समथिंग. ओके बट क्या होता है कि जब आपके लाइफ की बैंड बजी होती है ना व्हेन योर लाइफ इज ऑन अ रेजर्स काइंड ऑफ थिंग मिरेकल्स डू हैपन. सो फ्रॉम अ 9 परसेंटाइल इन सेप्टेम्बर आई एंडेड अप विद अ 93 परसेंटाइल इन द एक्चुअल कैट. सो आई वॉज वेट लिस्टेड इन अ कॉलेज कॉल वेलिंकर इन मुंबई. ओके सो वेलिंकर मैंने ज्वाइन किया. एंड वेलिंकर ज्वाइन करने के बाद जो है सोचा अब बम्बई आ गया हूँ तो अब तो कुछ ना कुछ कोशिश करते रहना चाहिए. तो आई यूज टू राइट टू एवरी वन जो है टू गिव मी टू गेट अ समर इंटर्नशिप बेसिकली इन फिल्म मार्केटिंग एंड ऑल. आई यूज टू राइट टू प्रितिश नंदी कम्युनिकेशन. आई यूज टू राइट टू यश राज. आई यूज टू राइट टू यूटीवी एंड ऑल. सो वो सब तो कुछ हुआ नहीं. सो आई नेवर नोबडी एवर रिप्लाइड. बट आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माइका मुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन अगेन. ओके एंड आई गॉट थ्रू माइका. मैंने वो लिंकर छोड़ दिया फिर से. सो इन माइका क्या होता था हमारा एक कोर्स होता था कॉर्पोरेट वेंचरिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप. ओके सो कॉर्पोरेट वेंचरिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप में हमें क्या करना पड़ता था कि एवरीबडी हैज टू मेक अ बिजनेस प्लान. ओके सो आई आल्सो लाइक मेड अ बिजनेस प्लान. आई टू कॉल माय कंपनी फुल मार्क्स. तो मैंने बहुत ही उससे लिखा कि फुल मार्क्स इज इंडियाज फर्स्ट एक्सक्लूसिव शॉर्ट फिल्म कंपनी. वी प्रोड्यूस बाय डिस्ट्रीब्यूट एग्जिबिट शॉर्ट फिल्म. मई सीईओ मई पियोन जो है. एंड फिर मैं कहता था मैं लिख तो लिया वेबसाइट भी बना लिया. अब आई हैड प्रैक्टिकली नो आइडिया हाउ टू डू इट. आई वाज काइंड ऑफ कि आई वाज गेटिंग अ बिट फ्रस्ट्रेटेड. तो मैंने बोला कि ऐसा क्या करो कि मुझे किसी के पास जाने की जरूरत ना पड़े लोग खुद खुद चल के मेरे पास आए. तो वी डिड दिस फेस्टिवल कॉल फुल मार्क शॉर्ट फेस्ट इंडिया लार्जेस्ट शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल टैगलाइन के साथ. एंड हमने क्या लाइक जो है ऑल द टाइम काम करते रहते थे कुछ ना कुछ करते रहते थे कुछ ना कुछ करते रहते थे. सो वन फाइन डे वी गॉट अ फिल्म फ्रॉम कोरिया. ओके सो कोरिया से आया फिर एक दो तीन ऐसे ऐसे करके वी एंडेड अप विद सम 75 76 फिल्म्स फ्रॉम सम लॉट मेनी कंट्रीज 18 20 कंट्रीज. मतलब अरे हम तो इंटरनेशनल हो गए यार जो है. सो धीरे धीरे करके जो है पहले दो लोग थे हम लोग ऑफिस में मतलब कॉलेज में मेरे दो क्लासमेट्स ने वो किया. फिर वो दो का चार चार का दस ऐसे ऐसे होके द टीम जो है एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वी हैड अ टीम ऑफ क्लोज टू सम लाइक some 28 29 people working. And the first year of the festival we got some success also. We made some profits and all. And mere ko laga ki ab to profit of it ho gaya sab short film kaun karega hum to feature film karenge. So in second year when I upgraded the festival to Ahmedabad International Film Festival, okay, I did a loss of 18 lakhs of rupees. And the third edition I did a loss of 14 lakhs of rupees. So I think at the age of 23 or 24 I started my career with 35 lakh ka loss.
दिस वॉज लाइक द मोस्ट टफेस्ट 2-3 years ऑफ माई लाइफ. ओके, मैंने सब कुछ किया जिससे यू मतलब वेबसाइट बनाना है, वेबसाइट कंटेंट लिखना है, स्क्रीनिंग्स करना है, कॉर्पोरेट फिल्म्स बनाना है एंड ऑल दिस थिंग्स, जिससे भी वो आया. सो मैं देन आई स्टार्टेड अ फिल्म क्लब कॉल सनसेट बुलेवर्ड फिल्म क्लब. उस सनसेट बुलेवर्ड फिल्म क्लब में हम क्या करते थे कि जो है ऑल दिस गॉडफादर, अंतहीन, रीजनल पिक्चर्स, क्लासिक्स एंड ऑल दिस जो है वो फिल्में हम दिखाते थे. एंड दिस वॉज बेसिकली इंस्पायर्ड फ्रॉम समथिंग कॉल ताज एनलाइटेंड फिल्म सोसाइटी. समबडी फ्रॉम पीवीआर अहमदाबाद जो है, आई थिंक इट वॉज मुकेश कुमार हु वाज द सिनेमा मैनेजर एट दैट टाइम. सो ही इन्फॉर्मड समवन एट पीवीआर, एट द पीवीआर कॉर्पोरेट ऑफिस इन गुड़गांव जो है, देयर इज दिस लेडी हु इज टू बी माई बॉस कॉल शालू सोवरवाल. सो शी वॉज द सीनियर वाइस प्रेसिडेंट देयर, कि एक लड़का आता है उटपटांग पिक्चरें दिखाता है एंड पब्लिक बड़ी अच्छी आती है, पब्लिक बड़ी अच्छी आती है, इसके शोज जो है खूब फुल जाते हैं. सो जो है सो शालू मैम शी केम टू अहमदाबाद एंड हम मिले. शालू मैम ने बोला कि शी ने काम करते, चल हम साथ में मिलके, हम भी कुछ फेस्टिवल्स करने का सोचे, हम साथ में मिलके कुछ एक फेस्टिवल करते हैं. तो जो है सो आई प्लान द फेस्टिवल कॉल रेबैन रिटर्न ऑफ द ग्रेटेस्ट क्लासिक्स, बेसिकली कासाब्लांका एंड ऑल दोस गॉडफादर एंड ऑल दोस थिंग्स. सो दे पेड मी सम मनी एंड सो पीवीआर वाज एबल टू सेल दैट प्रॉपर्टी टू रेबैन एट अ ह्यूज कॉस्ट, समथिंग अराउंड 90-92 lakhs और समथिंग, एंड दे मेड अ गुड टेबल प्रॉफिट. So we repeated that in another film festival. Okay, so that way, like that was my entry into the PVR top management. So they started taking me seriously, and in 2010 January, I think I got a call from Shalu ma'am, and she was like, "Ki, ki Shil, ye number le. This is like his Mr. Gautam Datta, and he's like our CEO, and he wants to have a word with you. So 7 baje inko call kar lena." तो मैंने सर को कॉल किया, तो सर वाज लाइक कि शील बेटा एक काम करो, अब जब जो सब तुम करते हो सब आप एक काम करो, अब आप गुड़गांव आ जाओ, जो आप करते हो वही करना, लेकिन हमारे साथ मिलके करना, आपका भी तुम्हारा भी बैंडविड्थ बढ़ेगा, तुम्हारा भी वो बढ़ेगा एंड हमारा भी. बेसिकली द थिंग इज दैट कि हम एक वो एक हम बेसिकली बुटीक सिनेमा बनाना चाहते हैं कॉल्ड डायरेक्ट पीवीआर डायरेक्टर्स कट, जो बसंत कुंज में होगा, विच इज लाइक अ बिजनेस क्लास ऑफ सिनेमा. एंड देन आई थिंक बाय फेब्रुअरी आई जॉइन पीवीआर, आई शिफ्टेड टू गुड़गांव. एंड गुड़गांव आने के बाद जो है द फर्स्ट थिंग आई रियलाइज इज दैट इन्होंने नाम तो पीवीआर डायरेक्टर्स कट रख दिया, बट मैंने सर को बोला कि सर आपने नाम तो डायरेक्टर्स कट रख दिया, बट पिक्चर तो आप वही दिखाओगे, एक था टाइगर जो है. सो नाम तो कुछ लग्जरी से रिलेटेड होना चाहिए था ना, तो सर वाज लाइक कि नहीं अब नाम तो यही है, अब देखो अब क्या करना है. सो उसका जो छोटा सा ऑडिटोरियम है, दैट छोटा वाला ऑडिटोरियम जो है, मैंने बोला कि ये वाला ऑडिटोरियम हम रखते हैं, इसमें हम जो है कुछ ऑल्टरनेट कंटेंट दिखाएंगे. आई प्रपोज कि सर एक ऐसी फिल्म है, देयर इज कि आई वांट टू बेसिकली डू सम एक्सपेरिमेंट विद सम इंडिपेंडेंट फिल्म्स. ओके, मतलब आई हैव ऑलवेज बीन ब्लेस्ड विद द बेस्ट बॉसेस. ओके, तो सर ने बोला कि चलो ठीक है करो तुम लोग एक्सपेरिमेंट. सो देयर वाज दिस फिल्म कॉल्ड गुड नाइट गुड मॉर्निंग, व्हिच इज डायरेक्टेड बाय सुधीश कामत, हु वाज अ रिव्यूअर विद द हिंदू. ओके, सो वी रिलीज दैट फिल्म एंड वो फिल्म के बहुत ज्यादा टिकट्स तो बिके नहीं, सम 1400-1500 टिकट्स बिके, बट वी गॉट सम वेरी गुड प्रेस. जैसे जैसे हम ज्यादा फिल्में करने लगे जो है, तो हमें बेसिकली आइडिया लगने लगा, वी स्टार्टेड हैविंग सम डेटा, व्हाट वर्क्स व्हाट डजंट वर्क, ऐसे करते 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 जो है कई सब आई वर्क डन सम 80-85 फिल्म्स. एंड लाइक अब मैं भी कुछ और करना चाहता था धीरे 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 जो है. एंड आई ऑलवेज एक्चुअली वॉन्टेड टू बिकम अ फिल्म मेकर. ओके, I was working on a film for quite some time, and जो है मैं सोच रहा था कि अभी जो है let me take a break and let me focus on that film. And उन्ही दिनों मेरी जो है मनीष से काफी बात चलती रहती थी, मनीष बुंद्रा दिशम के जो founder है उनसे काफी बात चलती रहती थी. And I got a message from मनीष that join us as a CEO. And so I joined दिशम in April 2015, and then Drishyam mein I did some 6 or 7 films, from Masaan se leke Newton tak. Newton was my last film at Drishyam, and then finally in 2017 I started Platoon. So that's it. Hey guys, thanks for watching this video, and if you like what we do, follow us on our socials and check out our other uploads.